ये तो आपकी बिल्कुल ऐसी है जैसे वो नहीं होती नाइट्रोजन वाली जो गाड़ियों में होती है, जो आप देखते हो ना गेम खेलते हो वो वाली। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या हाल चाल आपके? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। तो भाई, मैंने कल ना, आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने कल ड्रोन मंगाया था, IZI का इंडियन ब्रांड है। तो मैंने उसका ड्रोन मंगा लिया। मैंने कहा अच्छा है, तो अपने देश को, अपने हिंदुस्तान को प्रमोट करना चाहिए एंड सपोर्ट करना चाहिए अपनी चीज़ के, अपने देश के प्रोडक्ट खरीद के। सो भाई, इसलिए मैंने वो मंगाया था। बट उसकी क्वालिटी वगैरह देख के मैं थोड़ा सा अभी परेशान हो रहा हूँ। मैंने अभी चलाया तो है नहीं, मैंने रिटर्न की एक रिक्वेस्ट डाली है, जस्ट बिकॉज के उसके कंपैरिजन में अगर DJI का देखा जाए तो वो ज़्यादा सही है। अब कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, बट अकॉर्डिंग टू द वीडियो क्वालिटी तो वो DJI बेटर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पर स्विच करूँ। आप बताओ, आप सजेशन दो, अगर आपने किसी ने IJI का ड्रोन यूज़ किया हो या देखा हो कहीं पे उसकी वीडियो, तो आप ज़रूर मेरे को सजेशन देना, अपने कमेंट्स इसमें लिखना। तो मुझे स्विच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दोनों चीज़ मेरे को बताना। तो मैंने कहा आप लोगों से ही पूछ लूँ, क्योंकि एक दिमाग में ना टेंशन हो जाती है कि भाई मैंने गलत तो नहीं ले लिया, और सस्ती चीज़ नहीं है इसलिए ज़्यादा टेंशन होती है कि अगर आदमी 50-55,000 रुपीज़ खर्च कर रहा, तो भाई 10,000 रुपये और खर्च करने में मेरे हिसाब से कोई हर्जा नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। और सबसे बड़ी अमेज़ॉन की दिक्कत भाई, उन्होंने, मैंने एक गलती और हुई कि उसमें पढ़ा नहीं कि रिटर्न पॉलिसी नहीं है इसकी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। और रिप्लेसमेंट पॉलिसी में भी भाई उनके पास जिसके जिस वेंडर से मैंने, जिस सेलर से मंगाया था, उसके पास और है नहीं वो पीस। तो समझ सकते हो ना, मतलब क्या मेरी सिचुएशन होगी। तो ऐसा कुछ फिलहाल चल रहा। तो करते हैं भाई दिन की शुरुआत, और जैसा भी होगा आपको आगे देखने को पता चल जाएगा मैं रिटर्न करता हूँ या क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने कॉल किया था 3 डेज का, उन्होंने मेरे को टाइम दिया है। तो देखते हैं 3 दिन में क्या होता है। सो फिलहाल प्लान है हमारा गुड़गांव जाने का, जस्ट बिकॉज के हीरा दीदी मेरी जो है वो जा रही हैं। सो उनसे मिलते हैं रक्षाबंधन पर, वो यहाँ पर नहीं होगी। सो उनसे मिल लेने का प्लान बना रहे हैं। तो कहाँ जाओगे आप ये बताओ। अब आपने गाड़ी में बैठते ही ऐसे गंदी हरकत क्यों करी मुझे बताओ। से सॉरी अगेन, आप दोबारा ऐसा नहीं करोगे। अच्छा, आज तो कुछ भी करा लो भाई इससे, क्योंकि इसके मतलब का काम हो रहा है ना। तो ये वहाँ जाने के लिए हमेशा सुपर एक्साइटेड रहता है, तो आज इसे वहाँ पे लेके चलते हैं और निकलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से, रेडी शेडी होकर। रेडी तो फिलहाल मैं हूँ, तो रेडी तो ऐसा कुछ खास नहीं होना, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और ट्रैफिक का भी देखते हैं, उससे पहले ही निकल जाएंगे, क्योंकि ऑफिस के टाइमिंग पे अगर हम लोग निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। तो उससे पहले ही प्लानिंग करते हैं निकलने की। फिलहाल टाइम हो रहा है 1:12:53, यानी 1 बज रहा है ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट 2 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सो प्लान यही है, आगे देखते हैं जैसा भी होता है, रास्ते में मिलते हैं फिर। तो एक कहावत सुनी है आपने कि भाई सर मुंड आते ही ओले पड़ गए, वो काम हमारे साथ हो गया। इसे हमने पहले बता दिया कि भाई हम जा रहे हैं हीरा मम्मा हाउस, और ये अभी से ये फैल गया पहले ही। अब इसे भाई क्या समझाए कि कुछ काम पहले करने होते हैं। नहीं, स्टार्ट यहीं से निकलो, अभी आपने बोल दिया तो अभी 1 सेकंड में वो काम हो जाना चाहिए, वरना ये भाई नाराज होके ऐसे मुंह बना के पड़ जाएंगे। हाँ, मुंह बना लो तुम। अच्छा, मेरा प्रोग्राम तो सुन लो। मुंह बना के उधर मुंह करके बैठ गया। प्रोग्राम तो सुन लो बच्चा। घर चल के एक बार इसे सेट करते हैं, इसका प्रोग्राम सेट करते हैं, और फिर हम चलेंगे इसे समझाएंगे घर जाके। थोड़ा समझाना मतलब प्यार से इसे बोलेंगे कि भाई ऐसा प्रोग्राम है हमारा, इसे कुछ एक और चीज वो करनी पड़ेगी, सपोर्ट लगानी पड़ेगी जब जाके मारने गए। अब तो कहीं पे जा रहे थे। हाँ, क्या सॉरी? हाँ? अच्छा, पहले आपको आइसक्रीम खानी है? हाँ। कपड़े चेंज करोगे पहले, आइसक्रीम खाओगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चेंज या पहले आइसक्रीम?
पार्सल अच्छे लगे आपको? एक आपका नहीं है, इसमें से तो कोई भी नहीं है आपका है? मेरा है। नहीं है आपका, सरप्राइज तो अलग रखा हुआ। भारी है, भारी है, भारी है। उठाओ ना, उठाओ उठाओ। आप इसको पकड़ो। ओके जी। और आप इसको पकड़ो। डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने तेरे को कल बताया था ना डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, सबसे बड़ा वाला आप लेके चलोगे? मगर इसमें तो आपका कुछ भी नहीं है ननू। चलो आपके वाला देते हैं, मैं सोच रहा हूँ आपका वाला दे देते हैं। अच्छा, अपना बॉक्स ले आए आप? चलो। अरे मिकी वाली आपने बेडशीट बिछाई हुई है, मिकी वाली। इसमें आपका कुछ भी नहीं है ननू, आपका जो सरप्राइज है वो कहीं और है। आपका सरप्राइज कहीं और रखा है पता। चलो आप इसे खोल लो। विश्वास नहीं है इसको किसी भी चीज का। बेबी आपको लग जाएगी ये। चलो आप देख लो, इतने हम आपका वो किसी और को दे देते हैं। तो सरप्राइज मैं आपका रिवील कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपका सरप्राइज, ठीक है? आपने ना इसमें छेद कर दिया नंची, अब वो अंदर वाला चीज खराब हो जाएगी, फिर क्या करोगे? अरे भाई साहब वो खराब ना हो जाए ना, क्या करें? दोनों बैग मोची के हैं। सोच रहा हूँ पढ़ाई करने के बाद देते हैं आपका। पापा कैसा लगा आपको आपका गिफ्ट? अच्छा लगा। मजा आया? बोलो शैली मामी थैंक यू। शैली मामी थैंक यू। सुनो, इसमें कलर कौन सा निकलेगा? कलर कौन सा है ना? जल्दी खुलवाओ पापा से। पापा को आता है खुलना? नहीं लगता पापा को आता है। लो। देखा इसने कैसे फेंकी है। पापा बोल दो। नाना इसमें सेल डाले, इसमें लाइट भी है नाना। आपको तो बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज मिल रहे हैं। बैटरी कहाँ है? नहीं तुमसे वाली पीछे भी लाइट है ना, नीचे भी लाइट है, पीछे भी लाइट है। वाओ कितनी अच्छी है नन्ना। इसमें पानी डालें नन्ना? रुक जाओ अभी मत चलाना, इसमें पानी डालते हैं और फिर चलाएंगे, फिर ये स्मोक भी डालेगी। चलाना वाओ, आपकी गाड़ी तो धुआं भी देती है। सो टाइम हो गया 4:10 और हम लोग निकल रहे हैं गुड़गांव के लिए। और भाई मैंने अपना ड्रोन भी ले लिया, आज मैं इसको फ्लाई करके देखूंगा। नहीं कर रहे वापस, मैं बहुत सारे रिव्यूज पढ़े, वो लोग यही कह रहे हैं कि भाई वापस नहीं करते ये लोग, तो देखते हैं। आप लोग सपोर्ट करो भाई, तो डेफिनेटली हम भी DJI का ले लेंगे, नेक्स्ट ड्रोन DJI का लेता हूँ। तो फिलहाल इसी को यूज करते हैं, जैसा भी निकलेगा भाई किस्मत है। अभी तक तो फ्लाई नहीं किया, आगे फ्लाई करके देखते हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं गुड़गांव।
आज ये परेशान हो रहे हैं कि कौन से रास्ते से लेके जा रहा है। मैंने कहा आज मैं तुम्हें दूसरे रास्ते से लेके जा रहा हूँ, बट यूजुअली यही रास्ता जाता। Continue straight. हाँ भाई जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं। ये वाला इंडियन हैबिटेट सेंटर वाला रास्ता है, यहाँ से इंडिया गेट निकलेंगे। तो भाई गुड न्यूज आ गई अभी, जस्ट मेरे पास सचिन का फोन आया, कहता कि भाई मेरे पास वहां से मेल आ गई है अमेजोन की तरफ से, तो आपका वो ड्रोन रिटर्न हो सकता। तो अगर भाई रिटर्न हो जाता है तो मैं DJI पे स्विच कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये भारी लग रहा है, क्योंकि इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा मुझे, तो वो मेरे को सबसे बड़ा टंटा लग रहा है। इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा डाइसी हूँ इसको लेने में, जैसा मैंने आपको सुबह बताया था। तो भाई देखते हैं क्या होता है, जो बेस्ट होगा भाई वो ही होगा, और प्रे कर रहा हूँ मैं कि भाई वो चेंज हो जाए। मैं दूंगा उसको, अब जो मुझसे नाराज है तो मैं उसको कैसे दे दूं, आप बताओ। मैं भी प्यार कर लेती हूं ननु। नना अब बताओ ना, जो मुझे प्यार करेगा मैं उसको दूंगा। जी। लालची लालची नहीं, पापा ने गंदी बात लोगे। हाँ पक्का ठंडी है, हाथ लगाओ। सो फाइनली भाई हम पहुंच गए हैं गुड़गांव, और गुड़गांव पहुंच के अभी दीदी के घर जाके पहले फोटो क्लिक करूंगा उसकी ड्रोन की, और मुझे वो सेंड करनी है, अपलोड करनी है। एक लिंक आया है उस पर फोटो अपलोड करूंगा और बस फिर काम हो जाएगा सारा बढ़िया, फिर लेंगे अपना नया वाला। तो पहुंचू पहले भाई, बहुत भीड़ है यार। हाँ क्या हुआ? नमस्ते। फाइनली पहुंच गए भाई, यार खाना खाने बैठ गया और खाने की तारीफ नहीं करी, बताओ कितना गंदा हो चुका। मतलब इतना बढ़िया पनीर बनाया भाई, गॉड मजा आ गया, और इतना टेस्टी है कि मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैं बोल भी दूँ कि भाई खाना बहुत टेस्टी बना। सो फिलहाल डिनर करते हैं, यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में। सो भाई हम निकल चुके हैं, टाइम हो गया है कितना, 9:43। सो हमें हो गया ऑलमोस्ट आधा घंटा, और भाई गुड़गांव का जैम जान निकाल देता भाई, दिल्ली तक ऐसी हालत ख़राब कर देगा। ये एयरपोर्ट तक जैम होगा, और एयरपोर्ट के बाद आई थिंक सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब रनिंग में आ जाएगा, ऐसे रुकना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ तक है। अभी मैं जस्ट टोल जो था पहला वो क्रॉस किया है और आगे आया हूँ, देखते हैं कितनी देर लगती है घर तक पहुँचने में। इसके बाद मेरे को सचिन के पास भी जाना है, बिकॉज वो ड्रोन का पंगा सॉल्व करना है। सारी हिस्ट्री सारी कहानी अगर आज हो जाती है क्लियर, तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा क्या रहा और क्यों रहा। तो टाइम हो गया, 11 बज गए हैं भाई, और 11 बजे हम लोग पहुंचे हैं घर। जाम इतना ट्रैफिक मैं बता नहीं सकता, बेशुमार ट्रैफिक। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।